के सामने नहीं आए हैं वो, लेकिन भीतर घात जरूर रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि वरुण गांधी का जो टिकट काटा गया है वो टीम वरुण जो है लगभग 900 से 1000 लोगों की एक समर्पित टीम यहाँ पे काम कर रही थी उनकी, उसने संभवतः समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट मांगे हैं और उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। वो कांटे का कॉन्टेस्ट है, वरुण गांधी की एब्सेंस में जो प्रत्याशी यहाँ पीलीभीत लाया गया जितिन प्रसाद जी, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। था कि साहब फलाना प्रत्याशी वरुण गांधी जो चुनाव लड़ते थे सब जीत रहे हैं। इस चुनाव में ये पहला चुनाव है पिछले 35 साल में, इसमें आप कह नहीं सकते कि कौन चुनाव जीतेगा। विभाजन जो भाजपा के हार्ड कोर वोटर्स थे, विशेषकर कुर्मी और लोध राजपूत, उनमें भी इस बार मत विभाजन हुआ है। एक तरफा वो भाजपा के लिए नहीं गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब बारी है नतीजों की, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसी को कोई जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है। हम इसमें पीलीभीत में, मैं हूँ सौरभ पांडे। पीलीभीत का एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं और बताएंगे पीलीभीत के वरिष्ठ पत्रकार। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने पहले चरण के चुनाव में पीलीभीत में गांव-गांव जाकर राजनीतिक सरगर्मियां पास से देखी हैं और वो चीज़ें खंगाली हैं जो आज सामने आएंगी, किससे क्या फर्क पड़ेगा, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ पत्रकार हैं, हम इनसे नाम बताते जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ है तारिक नैयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे सीनियर पत्रकार हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके पीछे तर्क क्या है। देखिए, बहुत तगड़ा मुकाबला है सभी सीटों पर लगभग। अगर पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल 50-50 का मुकाबला है, कोई ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे वो लाभार्थी के भरोसे थे, यानी जो 80-81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है या 3-4 करोड़ लोगों को सम्मान निधि दी जा रही है उसके भरोसे थे। उसमें जो सेंध लगाई है वो इंडिया गठबंधन ने सेंध लगाई है उन लाभार्थी में भी। आप पूछेंगे कैसे, तो मान लीजिए लाभार्थी हैं, उनका बच्चा अगर पढ़ता है, बेरोज़गार है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार के मुद्दे पर उसने इस बार वोट किया है। इसके साथ ही जो टिकट बंटवारा किया है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से, वो बहुत अच्छा किया। पूरे यूपी का अगर आप देखें, जो अति पिछड़ी जातियाँ थी, जो बीजेपी की एक तरह से कोर वोटर बन गई थी पिछले दो चुनावों में, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाई। आप देखिए, इन्होंने कुर्मी जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी उतारे, पीलीभीत से भी कुर्मी वोटर उतारा था, तो यहाँ लगभग 2.5 लाख कुर्मी वोटर है वो माना जा रहा है कि सपा कैंडिडेट को मिला। इसके साथ ही 4.5 लाख वोट मुस्लिम है वो माना जा रहा है कि वो गया होगा। इसके साथ ही जो SC वोटर था इस बार, जो संविधान का मुद्दा आया, जो 400 पार का नारा लगा था, उसके बाद एक हवा चली कि कहीं ना कहीं संविधान बदला जाएगा, तो SC वोटर जो था वो बसपा से छूटकर जो सपा में आया है, तो कहीं ना कहीं वो वोटर भी यहाँ आ रहा है। इसके साथ ही सिख यहाँ पे बहुल क्षेत्र है। इसके साथ ही जो अभी आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, तो यहाँ के किसानों ने काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 50-50 का मुकाबला है, काफ़ी रोमांचक होने वाला है। कि कौन जीतेगा ये तय नहीं है, बिल्कुल 50-50 है। यूपी तक के दर्शकों को ये बता दें कि ये सीट BBIP सीट है, क्योंकि यहाँ पर 30-35 सालों से गांधी परिवार का कब्जा रहा है। इस बार वरुण गांधी मैदान में नहीं है, उनकी जगह पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं सपा ने पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार को मैदान में उतारा है। BSP के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन यह मुकाबला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच होगा। हमारे साथ हैं संदीप दादा, ये सीनियर पत्रकार हैं, और इनसे पूछते हैं इनका क्या तर्क है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सीट चुनाव पीलीभीत का है, पहले चरण में होता है, काफ़ी लंबा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। कभी बताया कि BJP जीत रही है, कभी कहा जरा सपा जीत रही है, आपने क्या विश्लेषण किया है, कौन जीत सकता है? देखिए, ऐसा है, ये प्रेडिक्शन तो मैं नहीं समझता कि उचित है। हर आदमी की अपनी अपनी एक सोचने का तरीका होता है, और ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार जो है वो कांटे का कॉन्टेस्ट है। वरुण गांधी की एब्सेंस में जो प्रत्याशी यहाँ पीलीभीत लाया गया जितिन प्रसाद जी, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा के पास पर्टिकुलरली पीलीभीत में विकास के नाम पर कुछ गिनाने के लिए नहीं है। वरुण गांधी जी या मेनका गांधी जी इतने साल रहे, एक कोई सिंगल अचीवमेंट ऐसा नहीं है जिसको नेशनल स्तर पर एक, जैसे कहना चाहिए, फ़ख्र से कहा जाए कि हमको पीलीभीत को नसीब हुआ। तो मेनका जी, वरुण जी जो इतने साल रहे, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर पीलीभीत के लोगों को सिर्फ धोखा दिया। तो BJP विकास के नाम पर फिलहाल पीलीभीत में वोट नहीं मांग सकती थी, इसलिए जो BJP के पक्ष में मतदान हुआ है वो मोदी जी के नाम पे हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जितिन प्रसाद की जहाँ तक बात है तो जितिन प्रसाद जी यहाँ पीलीभीत के पड़ोसी जनपद से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका कोई यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाया और पब्लिक से वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं बना पाए। एक VIP कल्चर जैसे पहले देखा जाता था मेनका जी या वरुण गांधी जी के साथ रहता, तो उससे ज़्यादा VIP कल्चर जो है वो जितिन प्रसाद जी के साथ देखा गया, वो सीधे पब्लिक से जुड़ नहीं पाए। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा यहाँ के लोगों को कुछ खली है, लेकिन बस एक मुद्दा यही है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव ये पूरा BJP ने इस बार पीलीभीत में लड़ा है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के बात है, उनके अपनी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी की बात है, जैसे तारिक ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, बहुत जैसे कहना चाहिए सही असेसमेंट करके एनालाइज करके भगवत जी को टिकट दिया गया, क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। कुर्मी बिरादरी यहाँ 2.5 लाख के लगभग वोटर है, बैकवर्ड और वोटर मिल जाता है। मुस्लिम वोट अगर एक तरफा पड़ता है या ज़्यादा परसेंटेज में अगर पड़ जाता है तो इसमें दो राय नहीं है कि भगवत जी बिल्कुल कांटे की टक्कर जितिन प्रसाद को दे रहे हैं। कांटे की टक्कर बता रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ हैं अमिताभ दादा, काफ़ी सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, क्या लग रहा है पीलीभीत के बारे में, क्या एग्जिट पोल है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि पीलीभीत लोकसभा चुनाव में इस बार मतों का जो विभाजन हुआ है उससे आप ये नहीं कह सकते कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। अभी तक ये कहा जाता था कि साहब फलाना प्रत्याशी, वरुण गांधी जो चुनाव लड़ते थे, साहब जीत रहे हैं। इस चुनाव में ये पहला चुनाव है पिछले 35 साल में, इसमें आप कह नहीं सकते कि कौन चुनाव जीतेगा। जहाँ तक पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मत विभाजन जो भाजपा के हार्ड कोर वोटर्स थे, विशेषकर कुर्मी और लोध राजपूत, उनमें भी इस बार मत विभाजन हुआ है। एक तरफा वो भाजपा के लिए नहीं गए हैं, उनमें मत विभाजन हुआ है। दूसरा, जो दलित जातियों में बसपा का जो प्रत्याशी था वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बसपा प्रत्याशी मुसलमानों में भी, जो मुस्लिम खुद अपने आप को बड़े नेता हैं यहाँ पीलीभीत के, वो मुसलमानों में भी अपना पहचान नहीं छोड़ पाए। तो ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है। अगर बसपा प्रत्याशी थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो हम कह सकते थे कि भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बसपा प्रत्याशी जो कमाल दिखा सकते थे वो कमाल नहीं दिखा सके हैं। मतलब BJP को भरोसा BSP का इंतजार करना पड़ेगा, कितना वोट लेते हैं वो। हमारे साथ है केशव जी, इनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखिए, जैसे अभी मेरे पूर्व पत्रकारों ने बोला है कि बहुत मुश्किल है, कांटे की टक्कर है, तो ये बिल्कुल हकीकत है कि पिछले 35 सालों मतलब 1989 से जैसे मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं, तो एक आदमी के मन में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हुआ करती थी कि चुनाव तो इनका निकल गया, आदमी इंतज़ार करता था सिर्फ विनिंग मार्जिन का। लेकिन इस बार आदमी इंतज़ार कर रहा है कि कौन जीतेगा, भाजपा जीतेगी या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। और उसका कारण कई है। पहली चीज़ तो ये है कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो तो गया ही है, एक तरफा गया है समाजवादी पार्टी को। दूसरी चीज़, जो सेकंड लार्जेस्ट वोट बैंक है कुर्मी, उसका अपना चूँकि कैंडिडेट थे ये भगवत शरण गंगवार, और बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है नवाबगंज के, वहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं, UP के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और पीलीभीत में भी उनको अच्छी तरीके से लोग अच्छे प्रत्याशी के रूप में जानते हैं। तो कुर्मी कैंडिडेट का होने से एक बहुत बड़ा तबका कुर्मी कम्युनिटी का शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी में। तीसरी, एक सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि जिस समय टिकट मांगने वालों की एक बड़ी महत्वाकांक्षी नेताओं की लंबी लाइन थी, लेकिन टिकट दिया गया एक बाहरी प्रत्याशी को, और जो लगभग अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसे में जो लोग टिकट मांग रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए थे पीलीभीत पे, मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं भीतरघात ज़रूर रही है। खुल के सामने नहीं आए हैं वो, लेकिन भीतरघात ज़रूर रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि वरुण गांधी का जो टिकट काटा गया है, वो टीम वरुण जो है लगभग 900 से 1000 लोगों की एक समर्पित टीम यहाँ पे काम कर रही थी उनकी, उसने संभवतः समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट मांगे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा योगदान है भाजपा के अगेंस्ट, भाजपा को हराने में उनकी एक भूमिका सामने आ सकती है। तो ऐसे में कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ये लगता है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को विजयश्री मिल जाए इस बार।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा संदीप जी ने कहा, ये जो प्रत्याशी चुना गया वो एक VIP कल्चर का प्रत्याशी है। उन्होंने एक आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के कभी चल नहीं पाए, तो वो एक दूरी जो रही उनकी एक आम आदमी सड़क पर चलने वाले आदमी से, और ये जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी को अगर समस्याओं के समाधान की बात करें जो उसकी आम जिंदगी के इर्द गिर्द पसरी रहती हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो पुलिस कचहरी की हो, उसको कोई समाधान नहीं है। रिश्वत आप कहना है कि BJP में भीतरघात हुआ है, ये कितना नुकसान देगा ये तो पता लगेगा। हमारे साथ साकेत जी हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर? जैसे हमारे भाई लोगों ने बताया कि कड़ी टक्कर हुई है और मतों का विभाजन भी हुआ है। कुछ बिरादरियां हैं जिन्होंने जो है भाजपा की जो वोट बैंक मानी जाती थी उसमें कटौती हुई है, उन्होंने सपा को वोट दिया है। लेकिन पिछली बार वरुण गांधी करीब 2.5 लाख वोटों से जीते थे, और जो गांवों में महिलाएं हैं, मैं जब गांवों में गया तो महिलाएं पार्टी और बिरादरी ना देख के एक उनका दिमाग में मोदी भरे हुए हैं, तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया। तो मुझे लगता है कि 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गए, कांटे की टक्कर। जैसे हमारे भाई लोगों का एनालिसिस है, जीतेगी भाजपा लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा, ऐसा हो सकता है, मार्जिन कम हो सकता है। मेरे साथ हैं जावेद शेख। जावेद जी, आप भी काफ़ी सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, क्या लग रहा है? आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में रहते भी हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कौन जी सकता है यहाँ से? देखिए, ऐसा है, इस बार BJP को जो है लोहे के चने चबाना इस तरीके से है। एक तो भगवत सरन गंगवार जी जो थे उनको यहाँ से चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जाति का भी उनको वोट मिला है, और दूसरा उनको मुस्लिम वोट भी मिला है, और तीसरी बात जो रखे SC वोट की बात करें तो SC वोट भी उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार BJP को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है। सपा वाले मुस्कुरा दें, सपा वाले मुस्कुरा दें। हमारे साथ हैं वैभव जी, हैं प्रिंट मीडिया से हैं, काफ़ी दिनों से लंबा मतदान का हुआ था और नतीजे आने वाले हैं, तो लंबा टाइम लग गया, तो ऐसे में कभी कोई ऊपर कभी नीचे, कभी BJP जीत रही कभी सपा जीत रही, आपका क्या अनुमान है कौन जीत सकता है यहाँ से? देखिए, अभी एक तरफा कोई किसी के लिए नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है, क्योंकि चुनाव हुआ है बहुत कांटे का। इतना ज़रूर है सपा पहली बार इतनी अच्छी कंडीशन में पीलीभीत में आई है कि वो आज अपने आप को ये मान रही है कि हम जीत रहे हैं, वरना 30-35 साल में कभी मेनका और वरुण के आगे कभी लोकसभा चुनाव में ये चर्चा ही नहीं हुई कि कौन जीत रहा है। चर्चा ये होती थी अब की बार कितने से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार सपा मजबूत स्थिति में है। अब हम एक छोटा छोटा क्वेश्चन सबसे पूछ लेते हैं, BJP या इंडिया गठबंधन कौन आगे रहेगा? देखिए, छोटा सा जवाब, इंडिया गठबंधन। कौन आगे रहेगा? मेरे ख्याल से भाजपा। कौन आगे रहेगा? भाजपा की जीत मुझे लगता है लगभग पक्की है। कौन आगे रहेगा? समाजवादी पार्टी रहेगी। दोनों में BJP और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में कौन आगे रहेगा? छोटा सा मुझे लगता है जो यहाँ पे वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिला है, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे रहेगी। कौन आगे रहेगा? मेरे ख्याल से BJP आगे। कौन आगे रहेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, सब लोगों ने। कौन आगे रहेगा? दोनों। ये हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे, इन्होंने बताया, लेकिन यहाँ से सपा के समर्थक उनके लिए मुस्काने की वजह दिख रही है, उसकी वजह यह है कि जो पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पर 67% वोटिंग हुई थी और इस बार 63% वोटिंग हुई है, तो वोटिंग का परसेंटेज कम हो गया, और पहले फेज का चुनाव था तो चुनाव उस तरह उठ नहीं पाया था, तो ऐसे में यहाँ मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन मुस्करा देगी। जो पीलीभीत का एग्जिट पोल आपने देखा और पत्रकारों की बातें सुनी, फिलहाल ये नतीजे तो 4 तारीख को पता लगेंगे कौन यहाँ से जीतेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल है उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि टक्कर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं यहाँ से जीतना, कहीं ना कहीं वरुण गांधी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने खेला कर दिया है, तो ऐसे में अब 4 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन यहाँ से जीतेगा कौन हारेगा। पीलीभीत से UP तक के लिए सौरभ पांडे।